ओके हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं बेटा? हेलो सर। हेलो सर, आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू बेटा। इन दिस सेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में हम अपनी पहली एक्सरसाइज, अपने बुक की पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो आज जो कुछ क्वेश्चंस उसमें कुछ बचे हुए थे या जो कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, वी विल बी कवरिंग दोस थिंग्स एंड कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज आपकी पहले बुक की आपकी पहली एक्सरसाइज है, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। दैट मीन्स कि दिस इज द रिकैप ऑफ योर लास्ट क्लास। आपने पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोग कर भी ले जा रहे हैं इसीलिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद एडिशनल है, आप लोग कर पाए हैं या नहीं। आपका इसके पहले वाली क्लास में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो नहीं पढ़ा होगा ना, कि पढ़ा था? क्यों बेटा, आप लोग जवाब दीजिए, क्यों? कम से कम जब मैं पूछूं तब आप बोल सकते हैं, आप जवाब दिया करिए, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के आप लोगों ने पढ़ा है कभी? मिलियन, बिलियन, ऐसा कुछ मैम ने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्लास फाइव में? क्यों? बट इन दिस क्लास यू वुड बी लर्निंग दैट की हाउ टू रीड द नंबर एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 4, अभी इसको पढ़ना है बेटा। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, मैं तुरंत बाहर करूंगा उसको क्लास से। यहाँ पे अगर आप पढ़ना है तो आप सीधा क्या करते हैं, आप 1/10 100 की तरह काउंट करते हैं, 1/10 100,000 10,000 lakh। तो क्या बोलेंगे आप? इसको लिखा है 4,23,625, ऐसे तो पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी आप बेटा अपने आप म्यूट कर लो, आपके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है, मैं आपका पहला दिन ही शुरुआत गड़बड़ कर दूंगा अगर आवाज आई दोबारा। अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं अभी समझा के आपको भेजा हूँ। मुझे आवाज भर नहीं पसंद है पढ़ाई के समय, और ऊपर वो भी आप लोगों के अलावा नहीं, बाहरी लोगों की आवाज उसमें आ रही है, वही लोग पढ़ाएंगे क्या? 40 मिनट शाम नहीं रह सकते, ऐसे पढ़ाई होगी? अगल बगल बैठ कर लोगों को बात मत करने दिया करिए। जब बात करें तो आप मोबाइल बंद करके बैठ जाया करिए, कह दीजिए हम नहीं पढ़ेंगे, जाइए आप लोग बात कर लीजिए, बात कर लेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसको 4 लाख नहीं बोलते, इसको 423,000 बोलेंगे। ये सब चलो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अभी पहले एक्सरसाइज में आपका नहीं है, सेकेंड एक्सरसाइज में है। तो यानी कुछ नई चीज सीखेंगे आप लोग, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तब। पहले उसके पहले की चीजें जो आपको पिछले क्लास में आपने पढ़ा है उसको पहले समझते हैं। उसके पहले आप लोगों को होमवर्क दिया गया था आपकी एक्सरसाइज 1.1 में, पेज नंबर 6 और 7, जिसमें उनसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पास किया गया पीरियड की। पीरियड क्या होते हैं उसको देखते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले कौन सा पीरियड आता है? 1। तो पहले यहाँ पैसे पहले 1/10 100 आपको पता होगा ना, क्यों बेटा? यस सर। सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? वंस को वंस ऐसे हो लिख दे, ठीक है? वंस के बाद क्या आता है? टेंथ। टेंथ के बाद 100। वेरी गुड। 100 के बाद 1000। वेरी गुड। आफ्टर 1000 10,000। वेरी नाइस। आफ्टर 10,000 लैक में लिख दिया। आफ्टर लैक 10 लाख। 10 लाख बेटा, आफ्टर 10 लाख सी से डिनोट करते हैं, ठीक है? करोड़ के बाद 10 करोड़, यानी कई सारे डिजिट हो सकते हैं। अगर आपका 2 डिजिट का नंबर है तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट के नंबर तक को हम रीडिंग करना इसी तरह सीखते हैं, है कि नहीं? ये सब तो आप लोग को पता है, ये सब तो आप लोग को पता है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज है, वो नई चीज मैं आज बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जिसके यहाँ पे आवाज आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, अपने माइक म्यूट कर लो बेटा।
ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए, चलो ठीक है। इसके पहले ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आप लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ते हैं, जो नंबर्स पढ़ने की जो इंडियन प्रणाली है, भारतीय प्रणाली है, भारतीय सिस्टम है, उसको उसके तहत आप पढ़ रहे हैं। इंडिया में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लाख करोड़ हजार ऐसे ही पढ़ते, ठीक है, करोड़ फिर उसके बाद लाख फिर हजार थाउजेंड। बट विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो है नंबर्स पढ़ने के तरीके अलग हैं, वो मैं अगली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इंडियन सिस्टम को आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। नाना भाई अपने से आवाज आ रही है, और अंकित वर्मा आपके यहाँ, तो आपके यहाँ पे कोई नंबर है तो इसको बेटा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो पहला पीरियड है 1-10-100, ये कौन से पीरियड में आता है, इसको बोलते हैं वंस के पीरियड में, एक बार आता है, ठीक है, ये वंस, ये कौन सा पीरियड इसको बोलते हैं, उसके बाद ये थाउजेंड वाला पीरियड आता है, कौन सा, थाउजेंड, थाउजेंड वाला पीरियड, थाउजेंड थाउजेंड, उसके बाद कौन सा पीरियड आता है, ये लाख को पहले लाख मिला के कौन सा पीरियड बनता है, लाख, लाख वाला पीरियड आता है, लाख और टेन लाख लाख के पीरियड में ही आते हैं। इसके बाद ये करोड़ करोड़ होगा, ठीक है, ठीक है, तो दैट मींस कि देयर आर फोर पीरियड, पहले पीरियड में थ्री डिजिट है बट दूसरे पीरियड में कितने डिजिट है, थाउजेंड थाउजेंड यानी टू डिजिट है, लाख वाले पीरियड में कितने डिजिट है, टू डिजिट है, टू डिजिट, टू डिजिट, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत है, ठीक है। आप लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े अभी तक आप, लेकिन पीरियड के बारे में पता था कि वंस के पीरियड में ये है, थाउजेंड के पीरियड में ये है, लाख के पीरियड में ये है, अब इतना तो समझ में आ जाएगा ना। यस सर। एक चीज और बताते हैं, अभी यहाँ पे आप नंबर लिखते हैं ना 60, मैंने मान लीजिए कोई नंबर लिखा, क्या लिखा है, अभी आपसे ही पढ़ाता हूँ, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, इसको क्या करेंगे आप, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़ टेन करोड़, ये तो है, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन लाख करोड़ टेन करोड़, यानी ये 62, ये 10 करोड़ पे आया, 62 किस पे आया था, करोड़ पे आया था, करोड़ पे लिख दिया, 10 लाख पे 3 आया था तो 10 लाख पे लिख दिया, 4 लाख पे आया था तो 4 लिख दिया, 5 10,000 पे आया था तो 5 लिख गया, यहाँ पे 1000 की प्लेस पे 6 आया था तो 1000 की प्लेस पे 6 लिख गया, 100 की प्लेस पे क्या आया था, यस सर, जीरो जीरो, 10 की प्लेस पे 3 और 1 की प्लेस पे 4, वही नंबर तो मैंने लिखा है, लेकिन इसको 62 करोड़ क्यों पड़ रहा है, करोड़ वाले पीरियड में आ रहा है बेटा, ये करोड़ वाले पीरियड में आ रहा है, 62 करोड़ 34 लाख 56,000 100,034, समझ में आया, 0,134 बोलेंगे, जैसे अगर बोलते हैं 62 करोड़ 34 लाख 56,000 34 वंश नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 34 वंश भी बोलेंगे तो गलत नहीं है बेटा, 34 वंश भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन 34 भी डायरेक्टली बोल दोगे तो भी सही है, ओके, 34 वंश सॉरी तो हुआ, यस सर, ओके, यस सर, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, क्यों बेटा, यस सर, फाइव सेवन टू थ्री फोर, ये कितना लिखा है, बाबू जिसके यहाँ से बच्चा आवाज कर रहा है वो अपना माइक बंद कर लीजिए, आदित्य सिंह, आदर्श सिंह, सबसे पहले आप ही बताइए, व्हाट आई हैव रिटन देयर, आदर्श सिंह, आदित्य सिंह, स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिखाई पड़ेगा, अब आप देखिए,
what I have written on the board. The 5,07,000. हाँ बेटा बताइए 5,00,000 और क्या अच्छे लाख है बताइए. सर 57,234. अच्छा अंकित वर्मा बेटा माइक ऑन करिए. अंकित वर्मा आप बताइए. अंकित वर्मा बताइए कितना लिखा है बेटा. आओ बेटा अभी दिखाई पड़ेगा. आप देखिए व्हाट आई हैव रिटन. अंकित वर्मा अंकित अंकित बताइए. 5,57,234. 57,00,000. क्यों अभिनय पांडे बेटा आप बताइए. सर 50,007 सर 50,007,234. 50,007,234 यही ऐसे बोलते हैं. मैंने क्या बोला है आप पीरियड वाइज देखो. सबसे पहले थ्री डिजिट का पीरियड आता है ये वंस है. फिर उसके बाद टू डिजिट का पीरियड उसके बाद थाउजेंड आता है. ये थाउजेंड वाले पीरियड में जितना भी बड़ा नंबर है टू डिजिट का नंबर है उसको एक साथ बोलेंगे. एक साथ कितना लिखा ये 57,000. ओके समझ में आया. अब मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ दूसरा नंबर लिख रहा हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा 32,324. इसमें मैंने इस वाले थ्री को अंडरलाइन कर दिया. क्या कर दिया अंडरलाइन कर दिया. अंडरलाइन वाली जो डिजिट है कौन से पीरियड में आएगा कौन कौन बता सकता है. जिसको लगता है वन पीरियड है जिसको लगता है वन पीरियड वो वन वन ऐसे शो करे. जिसको लगता है थाउजेंड पीरियड वो फाइव उंगली शो करे. ये जो थ्री है ये वाला अंडरलाइन वाला थ्री जिसको लगता है वन के पीरियड में आएगा वो वन वन फिंगर शो करे. और जिसको लगता है ये थाउजेंड वाले पीरियड में आएगा वो फाइव फिंगर शो. मैं देखना चाहता हूँ सभी के फिंगर्स मुझे देखने चाहिए. बेटा एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ. अभिनय सभी का कैमरे के सामने आपको दिखाना है. एक या पांच ये वाला थ्री दिस थ्री इन विच पीरियड कम दिस थ्री इन विच पीरियड फॉल इन द नंबर सिस्टम इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ये वंस अगर है आपको लगता है वंस के पीरियड में तो वन वन फिंगर शो करे. नैना बारी थाउजेंड फाइव कर रही है और किसको थाउजेंड अभी तो कुछ लग रहा है केवल नैना को लग रहा है. चलो ठीक है अभी देखते हैं डाउन योर हैंड. देखते हैं इसको देखते हैं डाउन योर हैंड. ये वन ये टेन ये हंड्रेड ये थाउजेंड ये टेन थाउजेंड ये तो हुआ. यस सर आपने बोला ये हंड्रेड जो है ये वंस के पीरियड में आता है. तो आपको क्या लिखना था वंस पीरियड में आता है ना वंस लिखना था ना वंस बताना था. यस सर नैना आपको समझ में आया गलत बता रही थी. नैना समझ में आया आपका आपका जवाब नहीं आया. यस नो नैना वारी बच्चा रो रहा है प्लीज अपना माइक बंद कर लो. तो बेटा इसी तरह का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है. इसकी प्लेस वैल्यू बताइए कौन सी प्लेस पे है ये थ्री. ये थ्री तो वंस पीरियड में आता है. मान लीजिए जो ये वाला थ्री है ये वंस वंस प्लेस मतलब वंस पीरियड में आ रहा है लेकिन कौन सी प्लेस पे आ रहा है. प्लेस क्या है इसका प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं प्लेस पूछ रही हूँ जगह कौन सी जगह आ रहा है. अंकित बताइए. सर हंड्रेड सर हंड्रेड प्लेस पे ये हंड्रेड प्लेस पे आ रहा है. कौन सी प्लेस पे वन टेन हंड्रेड. अच्छा इस प्लेस पे इसकी वैल्यू कितनी है इस प्लेस वैल्यू कितनी है या अभिनय पांडे बताएंगे. अभिनय पांडे प्लेस वैल्यू बताइए बेटा इस प्लेस पे
चालू बताइए बेटा। सर हंड्रेड हंड्रेड की प्लेस पे तो हंड्रेड के प्लेस पे हंड्रेड होगा थ्री हंड्रेड होगा। फेस वैल्यू क्या होगा? एफ ए सी ई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना होगा? थ्री होगा। ठीक है, कौन से पीरियड में आया था ये? कौन से पीरियड में आया था बेटा? देखो ये चीजें तो समझ में आ गया ना। अगर पूछू कौन सा पीरियड है तो पीरियड प्लेस प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये चारों चीजें समझ में आया। नहीं मैं प्लेस पूछू तो प्लेस वैल्यू, मैं पीरियड पूछू तो कोई प्लेस वैल्यू बताए, मैं फेस वैल्यू पूछू तो कोई प्लेस वैल्यू बताए, ऐसा तो नहीं होगा? क्या है प्लेस, क्या है प्लेस वैल्यू, क्या है फेस वैल्यू, क्या है? चार चीजें हैं, चारों चीजें समझ में आ गया अच्छे से। अभी आप सभी लोग अपनी बुक देखिए, पेज नंबर सेवन, पेज नंबर सेवन में क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बेटा, क्वेश्चन नंबर फाइव कौन पढ़ेगा बता दे रहा हूँ, आप पढ़िए शिवान्या चौधरी। शिवान्या चौधरी पढ़िए बेटा। मार्क्स द प्राइस गिवन बाय प्लेइंग कॉमर्स एट द राइट प्लेस देन राइट द प्राइस प्लेस वैल्यू बेटा पीरियड वैल्यू ऑफ बेटा ये जानते हो क्या लिखा है? लिखा है पीरियड ई आर आई ओ डी। पीरियड में काल होता है, समय होता है। आपके यहाँ पे भी पीरियड लगता है ना? फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है, सेकंड पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था ना? ठीक उसी तरीके से ये कैंडिडेट से लेके होता ना 9 बजे से 9:30 बजे तक फर्स्ट पीरियड, ठीक उसी तरीके से पहली डिजिट से लेके तीसरी डिजिट तक वंस पीरियड लगता है। कौन सा पीरियड? वंस। फिर फोर्थ डिजिट और फिफ्थ डिजिट से ये रहता है थाउजेंड पीरियड, तो इसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड समझ में आ जाए, आ गया क्या है पीरियड? यस सर। यस सर। तो इसमें क्या लिखा है? अनुष्का यादव बेटा आप अपना माइक ऑन करके जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर फाइव, बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, मैं नाम लूंगा तब आप बोलिएगा, म्यूट कर लीजिए। मार्क द पीरियड इन द गिवन नंबर बाय प्लेसिंग कॉमास एट द राइट प्लेसेस then write the period place value and face value of the colored digit the table one is done for you। very good beta, sab logo ne mic band kiya tha, anushka ne padha, sabhi ko sunai pada hoga, ab aapko clear pata chala hoga ki kya kya kisko bola jata hai, agar kahi kuch galat hota to main sahi bata deta, to isi bahane is tarike se aapko जब शांत रहेगा ना तो आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में रीडिंग कैसे किया जाता है, कहीं कोई गलत तो नहीं पड़ रहा है, पता चलेगा हमें आपको। ओके चलो आप बेटा अनुष्का माइक बंद करो, शिखर वर्मा माइक ऑन करके एक बार आप भी पढ़िए। शिखर वर्मा मेक द प्राइस इन द गिवन, आप ध्यान से नहीं सुने थे इसका मतलब, जो पढ़ी थी मेरक लिखा है या मार्क, ध्यान से सुनिए। किसी को मैं बोल सकता हूँ पढ़ने के लिए दोबारा, आपकी बार फिर मैं बोलूंगा, कोई गलत नहीं पड़ेगा, सही से पढ़िए। मार्क द प्राइस इन अ गिवन नंबर बाय प्लेसिंग कॉमन्स एट द राइट प्लेस देन राइट द प्रोड्यूस प्लेस प्लेस बेटा शिखर वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द शिखर ने गलत पढ़ा, शिखर ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, ये क्या लिखा है शिखर जरा बताइए आप क्या लिखा है ये, शिखर ही बताएंगे। प्रोवाइड क्या लिखा है ये? प्रोवाइड प्रोवाइड लिखा है, पीरियड मैंने अभी बताया फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, वो समय सुन नहीं रहते ध्यान से, इसका मतलब खोए रहते हो, ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, आप किताब में भी गलत पढ़ रहे हो, ऐसे भी पीरियड है बेटा पीई आर आई ओ डी पीरियड, सबको समझ में आ गया?
बेटा अगर सभी को समझ में आया ये पीरियड है, अगर पीरियड ध्यान से समझ में आ गया कि पीरियड है तो आप अपना हैंड शो करें, देखिए कितने लोगों को समझ में आ गया। पीरियड बोलेंगे PERIOD, पीरियड में कालखंड, इतने समय से इतना या इतने नंबर से इतना। चलो ठीक है, डाउन योर हैंड। चलो ठीक है, हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को। डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। मार्क द पीरियड, मार्क मतलब चिन्ह लगाना, निशान लगाना। अभी म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपने आपको, शिखर स्पेशली आप, आपके यहाँ से आवाज आती रहती है। मार्क द पीरियड, आपको पीरियड ये नंबर दिए हैं, मान लीजिए इसी तरह कोई नंबर दिया होगा तो उसके पीरियड को मार्क करना, पीरियड में आता है किसका, जो अंडरलाइन डिजिट है, जो पिंक वाला डिजिट है। ठीक है, मार्क द पीरियड इन द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसमें पीरियड को मार्क करना है बाय प्लेसिंग कॉमा, कॉमा भी लगाना है। कॉमा जानते हैं कैसे लगता है, कॉमा भी लग रहा हूं, कॉमा जो बेटा पीरियड होता है ना उसको अलग करने के लिए लगाया जाता है। कॉमा जो है पीरियड को अलग करने के लिए लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बार समझा दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दे रहा हूँ, 6 2 3 2 4 6 2 0 1 5, ये तो है मान लो जितना बड़ा नंबर लिख दिया। अब क्या किया इसको 1, इसको 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़, ये फिर अरब आ जाएगा। ओके, तो पीरियड मान लीजिए आपका पहला जो वंस वाला पीरियड है वो शुरू का पहले से तीसरे डिजिट तक, ये वंस पीरियड है। ठीक है, ये क्या है, नीचे ऊपर लिख दे रहा हूं, ये ऊपर 1000 का पीरियड है। इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ये आपका लाख का पीरियड है। yes, sir. ये लाख, ये करोड़ का पीरियड है, ये आपका अरब का पीरियड माने जाएगा। अभी आपको इतना वैल्यू नहीं जाना है तो जो भी मिठाई दे रहे हैं, तो ये आपका वंस पीरियड, ये आपका 1000 पीरियड। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कॉमा। लाख 1000 पीरियड के बीच में लगेगा कॉमा, यानी लाख यहाँ पे खत्म होगा, 1000 शुरू होगा, करोड़ लगा यहाँ पे लगेगा कॉमा। तो ठीक है, इसी तरह 23 आपका ये करोड़ है ना, करोड़, 24 लाख, 62,015, तो कॉमा कैसे लगेगा ये समझना क्या, कॉमा अलग अलग पीरियड को, अलग अलग पीरियड को अलग करने के लिए। दो पीरियड है, लाख और 1000 के बीच में कॉमा, लाख या करोड़ के बीच में कॉमा, यानी अलग अलग पीरियड को अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, शो मी योर हैंड, कितने लोग को समझ में आ गया कॉमा कैसे लगेगा, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो देखता हूँ आप लोग करके आइएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 5, यू टू बुक ऑन द पेज नंबर 7। मार्क द पीरियड, पीरियड को मार्क करना है, पीरियड को आपको पहचानना है। पहली बात, इन द गिवन नंबर, दिए हुए नंबर में पीरियड को पहचानना है, किसके पीरियड को, बस क्लियरली कॉमा एट द राइट प्लेसेस, कॉमा भी लगाना है उसके राइट जगह पे, चाहे यहाँ कॉमा नहीं लगा देना, जहाँ पे राइट प्लेस हो, जहाँ पे लगाने वाली हो, जहाँ पे आपके पीरियड अलग अलग हो रहे हो वहां पे कॉमा लगाना है। देन राइट द पीरियड, पीरियड भी लिखिए, प्लेस भी लिखिए, प्लेस वैल्यू भी लिखिए, फेस वैल्यू भी लिखिए, किसका, कलर डिजिट, जो इसमें कलर डिजिट है, कलर यानी पिंक कलर में है ना, उसका आपको पीरियड लिखना है, कौन सी प्लेस में लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर फेस वैल्यू लिखना है। एक आपके लिए क्लियर, एक आपको आपके समझ के लिए एक आपके बुक में किया भी गया है। समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब प्लीज, अब आप लोग को ये कंप्लीट करना है नेक्स्ट डे, और बाकी आप लोगों ने किया है, कम टू द पेज नंबर 8, एवरीबॉडी कम टू द पेज नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 9 इज यूज द क्लूज, क्लू मीन्स क्या होता है, क्लू मीन्स हिंट होता है, एक तरीके से हिंट होता है, क्लू हिंट समझते हैं आपको, कोई भी आपको क्या बोलते हैं, हिंट मतलब कोई बताए, कौन बता सकता है, HINT हिंट मीन्स क्या होता है, या CLUES क्लू मीन्स क्या होता है, कौन बता सकता है, शो मी योर हैंड, क्लू, क्लू मीन्स कोई नहीं बता पाएगा, चलो अनुष्का बताएगी, अनुष्का यादव बताइए, बेटा क्या बेटा, सबूत,
क्या बेटा? हाँ बेटा, इसका बताइए। सबूत। सबूत नहीं होता बेटा, सबूत नहीं होता। अनुष्का आप बताइए, बताइए कुछ। अनुष्का यादव। हाँ बेटा, हिंट मतलब नैना वारी, आप ही बताइए। एच आई एन टी, हिंट। बेटा हिंट का हिंदी मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। एच आई एन टी, हिंट मतलब एक होता है ना कि मैं आपको कोई क्लूज दूं, कोई हिंट दूं, आप लोग कुछ से कुछ पूछा जाए तो थोड़ा बहुत टिप्स होता है, क्लूज होता है ना आपको बताने के लिए कि जिससे आपको याद आ जाए, ऐसी चीजें बताने के लिए। तो आपको कुछ हिंट दिया जाएगा, कोई क्लूज दिया जाएगा, उससे कुछ आपको वर्क करना है। तो क्या लिखा है? यूज द क्लूज टू राइट ए नंबर। आपको एक नंबर लिखना है, कैसा नंबर लिखना है? क्लू दिया है, टिप्स दिया है, हिंट दिया है, उस हिंट को पढ़ के समझना है, फिर आपको नंबर लिखना है। किस तरीके का नंबर लिखना है? विद द डिजिट 6394 एंड 2, देन राइट द नंबर इन वर्ड। आपको क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, सब लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई लोग गलत कर जाएंगे, नहीं तो ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या बोला है? 6394 एंड 2, इस डिजिट का यूज करते हुए आपको नंबर बनाना है। लेकिन कैसा नंबर बनाना है? नीचे क्लू दिया है। सबसे पहला क्लू क्या है? ऐसे 5 क्लूज है। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90। 9 आपको ऐसी जगह पे करना है। देखो इतने नंबर का यूज करते हुए तो आप बहुत सारे नंबर बना लेंगे ना। एक नंबर ये भी बन जाएगा 6394 2, एक ये भी बन जाएगा 6934 2, 6349 2, ऐसे में तो आप देखेंगे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, बहुत नंबर बन जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा कौन सा नंबर लिखना है? कोई भी नंबर नहीं लिख देना है, आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 9000 वाली प्लेस पे 90000, 9 की प्लेस वैल्यू 90000 आए, यानी वो 10000 वाली प्लेस पे आए। ये 900 की प्लेस पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आए 10000 वाली प्लेस पे। एक और क्लू है, 2 की प्लेस वैल्यू 2 हो, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो? 2, दैट मीन्स कि वंस की पीरियड पे आए, यही तो हुआ। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो? 4 की प्लेस वैल्यू 40। 4 की प्लेस वैल्यू 40 कब आएगी? जब वो कौन से प्लेस पे हो। 4 की प्लेस वैल्यू 40 कब आएगी? जब वो कौन सी प्लेस पे हो? 10th की प्लेस पे हो। 10th की प्लेस पे 4 लिखिएगा। फिर उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू 3000 है, यानी 3 जो है वो 1000 वाली प्लेस पे लिखना है। ओके, एक और है, 6 जो है 100 वाली प्लेस पे लिखना है, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू 6 आए, 600 आए। तो इस तरह का एक नंबर लिखने जाएंगे। यस सर, इसको कर लीजिएगा। आप मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, कंप्लीट करके भेजना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर टेन कौन पढ़ेगा? अभी बता रहा हूँ, कौन पढ़ेगा? मुस्कान प्रजापति बेटा, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन नंबर 10। मुस्कान प्रजापति, रीड द क्वेश्चन नंबर 10। बेटा आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आई। शिवांगी कनौजिया बेटा आप करिए, शिवांगी कनौजिया माइक ऑन करिए, रीड द क्वेश्चन नंबर 10। बेटा माइक ऑन करो बाबू। हाँ अब बोलो। हाँ मेरी बात आप देर इन। हाँ पढ़िए आपकी बात। आप देर इन कितना लाख दिया हुआ है? ये तो पूछा है, हाउ मेनी मीन्स कितने सारे, हाउ मेनी लाख मीन्स कितने सारे लाख हैं, किसमें ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर इसमें कितने सारे लाख हैं? आप लोग को पता है, काउंट कर लीजिएगा। 1,100,000 लाख वाली प्लेस पे जो आए उतने लाख हैं, उतना लिख दीजिएगा 5 लाख। अगर 5 लाख आंसर आए, अगर 6 लाख आया तो 6 लाख। अब इसको लिखिएगा तो इसको गिन लीजिएगा, 1,100,000 ऐसे ना हो 6 लाख के बजाय 60,000 लिख दें,
या 60 लाख लिख दे। समझ में आया बेटा? सभी को समझ में आ गया? ये करना है क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। यस सर। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। बेटा वन मोर थिंग, अभी ये सेशन एक मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाला है, खत्म होने वाला है। आपकी क्लास आपकी एक मिनट में खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 पूरा कंप्लीट करना है। आप सबको पढ़ाया गया है, मैं जल्दी जल्दी से समझा दे रहा हूँ। आज ही कंप्लीट करके भेजना है पेज नंबर 1 को पूरा। समझ में आएगा उसको अगले सत्र में, अगले सेशन में जब मैथ पढ़ा जाएगा तब मैं समझ में आएंगे जो जो गलत हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको? नंबर करना है बेटा, इसी में कर लेना या नोटबुक में कर लेना। अभी 30 सेकंड है, कोई बोलेगा नहीं, पहले सुन लो, फिर बाद में मैं समझा दूंगा ग्रुप में। फाइंड द नंबर दैट इज, आपको ऐसे नंबर लिखना है जो कि पहला ऑप्शन देखिए 10,000 मोर देन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 99,999, 1, 2, 3, 4, 5। इससे कितना? मोर देन 10,000। इसी में 10,000 और एड कर दो, ज्यादा हो जाएगा ना,